नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं गेहूं के ताज़ा माहौल, ताज़ा अपडेट, ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गेहूं में क्या गेहूं के भाव में भयंकर तेजी आने के आसार नज़र आ रहे हैं या नहीं। किसान साथियों, क्या गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, क्या निर्यात का असर कैसा देखने को मिलेगा, क्या किसान साथियों गेहूं का जो असर है वो 3000 के पार देखने को मिलेगा या नहीं। तो चलिए मंडियों से सारी जानकारी, सारी अपडेट बताऊंगा। अगर भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों के भाव हमारे पास अवेलेबल हैं, तो चलिए जान लेते हैं आज के माहौल अपडेट रिपोर्ट के बारे में। जैसे किसान साथियों, अगर बात करें इंदौर मंडी से, तो इंदौर मंडी में इस समय 2000 रुपये से लेकर 2230 रुपये प्रति क्विंटल की सप्ते गेहूं की स्थिति देखने को मिली हुई है। किसान साथियों, अगर बात करें खंडवा डिस्ट्रिक्ट की, तो खंडवा में 2200 रुपये से लेकर 2250 रुपये, मतलब 2000 रुपये से लेकर 2250 हाइयर प्रति क्विंटल की सबसे बिकता हुआ नजर आया। सिंगरौली की बात करें तो 1900 रुपये से लेकर 2080 रुपये। वहीं पर रीवा मंडी की अगर बात करें तो 2260 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे बिकता हुआ नजर आया है। किसान साथियों, झबुआ मंडी की बात करें तो 2100 रुपये से लेकर 2290 रुपये। किसान साथियों, खरगोन में 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिकता हुआ नजर आया है। किसान साथियों, वहीं पर किसान साथियों अगर बात करें धार जिले की, तो यहाँ पर 2230 रुपये। विदिशा मंडी की अगर बात करें तो 2240 रुपये। जबलपुर मंडी की अगर बात करें तो 300 रुपये। और किसान साथियों, राजनगर मंडी की बात करें तो 2280 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता हुआ नजर आया है। किसान साथियों, इस समय मंडी में काफ़ी हद तक जो 2200 प्लस भाव देखने को मिल रहे हैं। किसान साथियों,